श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। एक बहुत छोटे कम शब्दों में आदरणीय गुरु जी, परमात्मा का सहज स्वरूप कैसा है? हम पहले शब्द पर जाएंगे। सहज जो साथ जन्मा, सहज उनके सहचर जो उनके साथ साथ चलता है, सहचर होता है। जो उसके साथ जन्मता है वो सहज होता है। तो परमात्मा के साथ जो जन्मा है, जो ब्रह्म के साथ जन्मा है, वो उसका सहज स्वरूप है। या जो साथ जन्मा है उसका स्वरूप क्या है? परमात्मा का स्वाभाविक रूप, जो स्वभाव से उत्पन्न हुआ है, जिसको उत्पन्न नहीं करना पड़ा, वह उसका स्वरूप क्या है? तो सच्चित आनंद है। कोई आकार, कोई प्रकार, कोई ऐसा कोई वैसा नहीं, वह सत है, वो चित है, सदा है, सत और चेतन है और आनंद है। ये परमात्मा का साथ ही जन्मा स्वभाव है। ये प्रयत्न से प्राप्त नहीं होता। जैसे आपके जन्म के साथ आपकी आंखें, आपके कान, आपके अंग आपके साथ पैदा हुए, आके नहीं पैदा किए। और सहज वो भी है कि आपके जन्म के साथ ही तो नहीं जन्मा, पर जननी है जवानी, वो बाद में आई है, कुछ दिन बाद। जो तुम्हारे साथ ही पैदा हो गया वह सहज, या इसी तरह से आपके जन्मते ही सहज ही आपकी मौत। आपके साथ ही जन्मी आपकी मौत। इसलिए जातस्य ध्रुवोर मृत्यु, पैदा होना ही समझो मरना है। पैदा और मरने में कोई प्रयत्न नहीं है। जैसे सहज ये कुछ है, जैसे सहज तुम्हारे साथ ही जगना जन्मा है, सोना जन्मा है, ऐसे ही परमात्मा का साथ जन्मा स्वरूप या जन्मे हुए का सहज स्वरूप, जन्मे हुए का सहज स्वरूप। परमात्मा का सहज स्वरूप सच्चिदानंद है, साथ ही उत्पन्न हुआ। जब से वो है तब से उसका सच्चिदानंद है। जब से ब्रह्म है उसके स्वरूप में साथ ही जन्मा है सत्पना, साथ ही जन्मा है चित्पना, साथ ही जन्मा है आनंदपना। उनमें और इनके आने में टाइम का गैप नहीं है, कोई कर्मजन्य नहीं है। परमात्मा का सच्चिदानंद स्वरूप कर्म से प्राप्त नहीं होता, पुरुषार्थ से पैदा नहीं हुआ, सहज जन्मा है।
स्वधर्म है परमात्मा का, पर परमात्मा का सहज, परमात्मा का सहज स्वरूप परमात्मा के साथ जो जन्मा उसका स्वरूप, परमात्मा के साथ जो जन्मा उसका स्वरूप क्या है? उसका स्वरूप परमात्मा है। जो जन्मा परमात्मा से उसका भी सहज स्वरूप परमात्मा है, जैसे ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। परमात्मा में जो जन्मा है उसका स्वरूप भी परमात्मा ही है। परमात्मा से परमात्मा के अलावा और हो ही कुछ नहीं सकता। परमात्मा का सहज रूप या जो उसके साथ जन्मा है, परमात्मा के स्वरूप में जो सहज पैदा हुआ है, उस पैदा हुए का स्वरूप क्या है? वही जिससे वो पैदा हुआ है। जिससे जो पैदा हुआ है उसका स्वरूप भी वही है। मनुष्य से जो पैदा हुआ वो क्या होता है? जल से पैदा हुई लहर, लहर क्या होती है? पत्थर होती है। वह भी जल ही होती है। तो जो भी परमात्मा में परमात्मा के साथ जन्मा उसका स्वरूप परमात्मा ही है। परमात्मा तो परमात्मा है ही, वो तो पैदा ही नहीं हुआ, उसको हम सहज भी नहीं कह सकते। परमात्मा तो सहज भी नहीं है, वो तो है। परमात्मा कोई साथ साथ पैदा हुआ ऐसा नहीं। परमात्मा तो था, पैदा हुआ स्वभाव। परमात्मा में, ब्रह्म में सतपना परमात्मा के साथ पैदा हुआ, जैसे आम आदमी के साथ जन्मना और मरना, बुढ़ापा साथ पैदा हो गए। हमारे साथ ही जन्म, आपके साथ ही जन्मा, जगना, सोना। कब से आया आप में जगना सोना? आपके होने के 100 दिन बाद। जगना सोना आपके साथ कब से ये बताना मुश्किल है, पर जगना सोना जन्मा जरूर है। जगना सोना सहज है, सहज। और सहज का अर्थ बहुत जगह होता है सरल, आसानी से जो हो जाए, बिना मेहनत के हो जाए, जिसमें मेहनत ना पड़े। यद्यपि मेहनत पड़ती है, पर फिर भी रामायण में ये कह दिया, या संतों ने कहा, कई संतों ने कहा, कंचन तजना सहज है। सहज है ना? संत भी बड़े उपद्रवी हैं, इतने कठिन काम को सहज कह रहे हैं। एक हरिद्वार में आश्रम है, उसको बोलते हैं कमलदास की कुटिया। 360 कमरे हैं और वो कमलदास की कुटिया है। संत के यहां बड़ा बड़ा वैभव भी कुछ नहीं है। साक्षात परम संत ज्ञानवान हो, कहते हैं हम तो कुछ नहीं, अकिंचन, कुछ भी नहीं, अकिंचन। किंचन माने थोड़ा, किंचित मात्र, किंचन। और अकिंचन कुछ भी नहीं। संत अपने को अकिंचन कहते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ है परमात्मा है। जैसे लहर अकिंचन है, तुम्हारे लिए किंचन है, तुम्हारे लिए थोड़ी लहर है,
अज्ञानी के लिए कुछ है संसार, कुछ हैं हम, पर ज्ञानी और भक्त के लिए भक्त कुछ भी नहीं है, भगवान है। लेकिन फिर भगत कहते ही क्यों है? बस इतना ही कहने के लिए है कि भगवान है, हम कुछ नहीं है, इतना ही है, बस इतना कहने भर को है कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, कुछ मेरा नहीं है, कुछ आहे न मोरा, कुछ भी मैं नहीं। कई लोग तर्क करेंगे, जब कुछ नहीं हो तो बोले क्यों? एक ने दरवाजा खटखटाया, थोड़ी देर कोई नहीं आवाज है, तो कौन है? तो भीतर से बोला कोई नहीं है। भीतर से बोला कोई नहीं है, जाओ यहां कोई नहीं है। अब भिखारी को पक्का हो गया कि है, यदि थोड़ी देर न बोलता तो जान जाता कोई नहीं है, पर उसे रहा नहीं गया, बोल दिया कोई नहीं है, तो भिखारी समझ गया है कुछ। तो कोई कहता है कुछ है, कोई कहता है कुछ नहीं है। और यदि भीतर से कह दे कोई नहीं है तो वो डटा रहे तो खोल के आ भी जाएगा, जब बोले बिना नहीं रहा गया तो यदि और कहेगा कि हो तो नहीं बोलते कैसे, तो फिर दरवाजा खोल के आएगा, हाँ बोलता हूं, पर तुम्हें कुछ देने वाला नहीं हूं। और यदि ये भी कहता है मैं कुछ ना दूंगा, इतना हिम्मत ही होता तो ये भी ना कहता नहीं दूंगा, आप ही चिल्ला के चला जाएगा। ये भी कम हिम्मती बोलते हैं कि मैं नहीं दूंगा, थोड़ी देर जिद करो तो उसका बाप देगा, पीछा छुड़ाने के लिए देगा। हिम्मती होता तो जवाब ही ना देता, जवाब देने का मतलब तू कमजोर है। तो अकिंचन का मतलब भी अभी कहने भर को है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ हूं ये तो बहुत है, कुछ तो सब हैं, आदमी हैं, औरत हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, कुछ तो हैं ही, ऐसे बहुत कम हैं जो कहते हैं हम कुछ नहीं हैं। अकिंचन, कुछ भी नहीं है, कुछ भी हम हैं ही नहीं। देखो फिर जरा लहर से पूछो तुम कुछ हो, यदि वो कुछ कह दे हूं तो फिर मूर्ख है, नहीं लहर क्या है, तो लहर क्या है भी? फिर कह दे पानी है, मैं तो हूं ही नहीं। कहते ये क्यों कहते हो, हम तो हाँ ही नहीं। कह दो अभी तक लहर कहते रहे इसलिए कहते हैं हम नहीं है, क्योंकि अभी तक हम कुछ बने रहे हैं केवल ये कहने के लिए कि हम कुछ नहीं है। अभी तक लहर कहते रहे इसलिए कहते हो अब नहीं रही, यदि रही नहीं देखते, जले ही देखते तो नहीं रही का अर्थ ही कोई नहीं। चूंकि अज्ञानी हैं, चूंकि अज्ञानी हैं इसलिए भक्त कहता है हम कुछ नहीं है। अपनी पुरानी गलती को सुधार रहा है, गलत फहमी को निकाल रहा है, चूंकि स्वप्न हुआ है इसलिए कहते हैं अब नहीं रहा। पर जब स्वप्न है ही कोई चीज नहीं तो नहीं रहा क्या? झूठ भी यदि रह ले तो निषेध करना पड़ेगा, झूठ भी यदि देख लिया गया हो है तो उसे भी कहना पड़ेगा अब नहीं है। तो तुम अभी तक जन्मते रहे, मरते रहे, व्यक्ति रहे, इसलिए कहना पड़ेगा ना हम मनुष्य, हम मनुष्य नहीं है। यदि तुम मनुष्य ना होते तो तुमको ये हम ना समझाते,
तुम जन्मते नहीं है वो मरते नहीं हो, तो ये नहीं कहते तुम जन्मते मरते नहीं हो, नहीं तो इसीलिए कहा कि तुमको है लगता है, तुम हो, इसलिए तुम गलती सुधारो। हम नहीं है भगवान है, हम नहीं है ब्रह्म है, हम नहीं है तू है, तू है हम नहीं है, वह है हम नहीं है, बस है हम नहीं है, जो है वो सदा है, जो हुआ है ये भ्रम है। जो हुआ है भ्रम हुआ है। जब कुछ न था पर पता था, अब चला, जब कुछ न था तब खुदा था, जब कुछ न था तब खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, जब कुछ नहीं था तब खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा ही होता। भ्रमाया हमको होने ने, भ्रमाया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता। अभी भी तू ना हो खुदा है, खुद ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं यार के लिए। तेरे बंदा होने का कारण तू है बस, यदि तू नहीं है तो बंदा है ही नहीं, खुदा ही खुदा है। हमारे एक संत गाया करते थे, सफा को मिला जब सफा हो गया मैं, खुद ही मिट गई खुद खुदा हो गया मैं। खुद ही मिट गई, खुद मिट गया तो खुदा हो गया, और खुद जितना है उतना ही खुदा होने में बाधा है। तुम थोड़े हो तो थोड़ी बाधा हो, बड़े हो तो बड़ी बाधा हो, यदि कुछ नहीं हो तो खुदा होने में कोई बाधा ही नहीं है। तुम ना हो जाओ खुदा हो गए, तुम यदि होने की कोशिश की तो तुम रहोगे और फिर खुदा नहीं हो सकोगे, खुदा होने की कोशिश में तुम जुदा हो गए। खुदा होने की कोशिश मत करो, खुद मिटने की कोशिश करो, होने की नहीं। कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, मिट जाओ ये सूत्र विचित्र है, मिटे तो ब्रह्म होता है, बने तो कोई ब्रह्म नहीं होता। बनोगे तो कहोगे हम सुबह तो हो जाते हैं, शाम को फिर ब्रह्म नहीं रहते, तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाओ ब्रह्म तो कैसे हो जाओगे। तुम होगे तो कभी ब्रह्म हो ही नहीं सकते, तुम ना होगे तो ब्रह्म के सिवा और कुछ हो नहीं सकते। तुम बनोगे तो कोशिश करोगे, फिर कोशिश करोगे, थोड़ी देर रह पाओगे, कैसे रहोगे तुम ब्रह्म। दो ब्रह्म हो नहीं सकते, कि तुम भी ब्रह्म हो जाओ वो ब्रह्म बना रहे। जब हम थे तब हरि नहीं, अब हरि हैं हम ना। ज्ञान गली कहो चाहे प्रेम, कई लोग कोई कहोगे प्रेम गली अति साकरी, ज्ञानी लोग कहोगे मैं प्रेम प्रेम छोड़ ज्ञान गली अति साकरी। अरे भाई दो न समाए, बस चाहे ज्ञान हो चाहे भक्ति। ज्ञान गली अति साकरी, प्रेम गली अति साकरी, या में दो न समाए, दो नहीं रह सकते। या तो ब्रह्म रहेगा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, एक मंत्र है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यदि ब्रह्म सत्य है तो जगत मिथ्या, और यदि ब्रह्म सत्यम नहीं, यदि जगत सत्यम तो ब्रह्म मिथ्या, दो ही बातें हैं बस। यदि यह सत्य है तो राम राम गप है, और यदि राम राम सत्य है तो फिर और सब गप है। या तो ब्रह्म सकत सत्य जगत मिथ्या, या जगत सत्य ब्रह्म मिथ्या, अब देख लो जिसको तुम समझना चाहो, तुम्हारे हाथ में है बस कुंजी, यह रहस्य तुम्हारे हाथ में, तुम स्वीकारो।
तुम स्वीकारो वो है हम नहीं, तुम स्वीकारो हम हैं वो नहीं। और तुमने स्वीकारा हम हैं तो तुम कितने हो, सब जगह तुम हो तो आदमी हो, तुम हो तो जीव हो, तुम हो तो साधक हो, तुम हो तो चलो भक्त ही हो, तुम हो तो कुछ होगे ब्रह्म नहीं, तुम कुछ हो यही खतरा है। और तुम हो और तुम हो, जरा सोचो तुम क्या हो, तुम यदि हो सोचा तो आदमी हो, तुम हो औरत हो, तुम हो गरीब हो, तुम हो अमीर हो, तुम हो पापी हो, तुम हो पुण्यात्मा हो, तुम हो बड़े हो, तुम हो तो फिर सीमित हो, तुम हो तो असीम हो, अरे तुम हो तो सीमित हो, और तुम नहीं हो तो सीमित कुछ है ही नहीं, फिर तो असीम है। लहर है तो सीमित ही है, सीमित ही है, सीमित ही का नाम लहर, और लहर नहीं है तो जल वही है, वही है, वही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। और लहर नहीं है तो फिर जल कहता है मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं, फिर लहर नहीं कह रही। जब लहर नहीं है तो कौन बोलेगा वहां, जल बोलेगा। तुम मर जाओ परमात्मा तुमसे बोलेगा, तुम हो तो परमात्मा तुमसे नहीं बोलेगा, परमात्मा तुमसे व्यक्त नहीं होगा, जीव व्यक्त होगा, अहंकार व्यक्त होगा, व्यक्ति व्यक्त होगा, परमात्मा तो वही बोलता है जहां मैं नहीं होती वहां परमात्मा बोलता है, और जहां मैं मिट गई उनके बोलने का नाम ही है परम भगवान उवाच। गीता में भगवान बोले, क्यों, कोई जीव है ही नहीं वहां, कोई मैं है ही नहीं, परमात्मा है बोले, और कहीं कहीं भगत बोले, भगवान है, भगवान है। जो भगत बार बार बोलेंगे भगवान है, भगवान है, वो भगत खो जाएगा, भगवान रह जाए, भगत यही बोलेगा भगवान है। पर भगवान जब बोलेगा तो कहेगा कि भगत है फलाना है, वो कहेगा मैं हूं, वो तो अर्जुन को भी कहेंगे मैं हूं, और कोई है ही नहीं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मेरे से अतिरिक्त, मेरे से परतर, मेरे से उत्कृष्ट, मेरे अलावा और कुछ नहीं है। मयातिरिक्तम यद यद्वा तत्तद् मिथ्येति निश्चिन्। तू ये देख, परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं है। यो माम पश्यति सर्वत्र, अब ये ड्यूटी है तुम्हारी, तुम हो, क्योंकि तुम आदमी हो, तुम जीव हो, तुम दुखी हो, तुम बंधे हो, यह तो कहो नहीं है। यदि हो तो फिर ये निश्चय करो भगवान सर्वत्र है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। यदि तुम हो तो ये कोशिश करो कि उसको देखो, वो तुम में भी है, देखो सब में और अंत में अपने में भी, अंत में सब गायब हो गया, तुम भी गायब हो गए, उसको देखो सब में, सब को मत देखो। यदि सब दिखाई पड़े, सब दिखाई पड़े तो सब में उसे देखो, ये देखने का काम कौन करेगा, तुम, जो देख रहा है, जो कहता है मैं देखता हूं, मैं आदमी हूं, जो समझ रहा है वही समझे गीता, जो कुछ समझ रहा है गलत सलत जो कुछ भी समझ रहा है यही सही समझे, जो समझ रहा है मैं हूं संसार है वो समझे भगवान है, भगवान के सिवा कोई और, इस समझने का काम जीव करता है, ये समझने का काम व्यक्ति करता है, ये समझने का काम जिज्ञासु करता है। भगवान ने भी कहा नान्यम गुणे व्या कर्तारम यदा दृष्टानुपस्यति। भगवान कहते हैं जब दृष्टा, ये जो देख रहा है, जब ये दृष्टा ये देखता है करने वाला मैं नहीं हूं, जब ये देखे मैं करने वाला नहीं हूं,
ये तो हो रहा है, ये तो गुण कर रहे हैं, ये तो जवानी आ रही है, बुढ़ापा आ रहा है। तुम जवानी लाते होगे ना, आप तो लाए हो, अब बुढ़ापे को तो लाने को तैयार ही बैठे हो, बैठे हो तैयार, तो तुम कर क्या रहे हो? होने में दखलंदाजी जरूर कर रहे हो, होने में राजी नहीं हो, बस इतना ही तुम कर रहे हो। और चूंकि इतना तुमने किया है, उसके होने में, उसके गुणों के करने में तुम राजी नहीं हो, कुछ चेंज चाहते हो, बस इतना ही तुम अपनी दखलंदाजी छोड़ दो, फिर तुम्हें क्या मिलेगी? तुम्हें मुक्ति मिलेगी, तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हें भगवान मिलेगा, तुम बंधन से छूट जाओगे, तुम्हारे सिर का बोझ खत्म हो जाएगा, आगे देखोगे सिर ही नहीं रहा, बोझ कहाँ रहे, सिर ही खत्म हो जाएगा, बोझ की क्या जरूरत, सिर है तो थोड़ा बोझ रहेगा। जितने तुम गहरे जाओगे, समझोगे, तुम खो जाओगे। इसलिए ब्रह्म सत्याम जगन मिथ्या, जीव ब्रह्म ही है, जीवो ब्रह्म ही हो, तुम वही हो, तुम उससे अलग, तुम अलग नहीं हो इसलिए वही हो, ये ध्यान देना, तुम इसलिए वही हो क्योंकि तुम अलग हो ही नहीं, तुम और कुछ हो ही नहीं, लहर और कुछ नहीं है इसलिए जलई है। ऐसा नहीं है कि लहर कुछ है और फिर जल है, लहर कुछ है जल है ऐसा नहीं, लहर उसके अलावा कुछ नहीं है, इसलिए दूसरा नाम जल, लहर का जल ही है। तुम इसलिए ब्रह्म हो कि तुम हो ही नहीं, जब तुम हो ही नहीं तो तुम्हारे में और होगा कौन सत्य के अलावा, ब्रह्म के अलावा? यदि लहर कुछ है ही नहीं तो फिर वहां कौन होगा? जल होगा। ये तो अभी तर्क का प्रयोग करता हूं। यदि तुम नहीं हो तो फिर तुम्हारे भीतर कौन बैठा है? तो ही संग समाई, काहे रे बन खोजन जाई। तू तो मोही ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास, या तू तो मुझे कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। अब लहर जल को ढूंढती है, कहीं होगा, आप भी झूठ नहीं बोलना, आप भी भगवान कहीं है ना, आपका भी भगवान कहीं है, तुम में नहीं है, लहर को जल कहीं है, आशा है कि मिलेगा जल, आशा है कि मिल जाएगा, दर्शन होंगे, लेकिन लहर को कभी ख्याल भी नहीं है कि जिसको मैं ढूंढती हूं वो मुझ में रहता है। ये गलती लहर की है कि तुम्हारी भी थोड़ी बहुत है? अच्छा, तो वो लहर तो चलो शायद उसने लहर भी नहीं सोचा, हम ही कह रहे हैं, और हम ही कह रहे हैं लहर ढूंढ रही है जल को, और हम ही कह रहे हैं जल उसी में है, पर तुम जरा समझदार हो इसलिए तुम ही मान रहे हो कि हम कुछ हैं, तुम ही को समझाना है कि तुम कुछ नहीं हो। और ब्रह्म जिसको तुम ढूंढ रहे हो, ब्रह्म माने जो न मरता हो उसे ढूंढ रहे हो, ब्रह्म नाम छोड़ दो, खतरनाक है, नास्तिक इसे पसंद नहीं करते, अपन छोड़ देते हैं। लहर मिटना नहीं चाहती, न मिटने वाले को ढूंढ रही है, वो कहां रहता है? जल में नहीं, वो न मिटने वाला उसी में रह रहा है, उसका नाम जल भी न रखो तो कोई बात नहीं, मिटने वाले में, मिटने वाला जहां नाम है, लहर नाम मिटने वाला, उसी मिटने वाले नाम में न मिटने वाला वहीं रहता है कि और कहीं रहता है? उसका तो वहीं रहता है, तुम्हारा वहां रहता है। आहा, तो तुम बुद्धिमान हो कि मूर्ख हो? देखो, और तुम अपने को मानते नहीं हो मूर्ख, और हो पक्के, यही मूर्खता है कि मूर्ख हैं मानते नहीं,
और मूर्ख ही अपने को मूर्ख नहीं मानता। बुद्धिमानी शुरू हो गई जिस दिन से तुमने मान लिया कि हम मूर्ख हैं, समझो अब समझ थोड़ी आ गई। हाँ, ये समझ आते ही मूर्ख मान लोगे, नहीं तो मानोगे नहीं। जगते ही मान लोगे कि हम स्वप्न में थे, स्वप्न में नहीं मानोगे कि हम सोए हैं। स्वप्न में तो तुम जागे ही मान रहे हो, जागोगे तो मानोगे सोए थे। अकल आएगी तो मानोगे मूर्ख थे, ज्ञान होगा तो मानोगे अज्ञानी है। अभी तो तुम मानते ही नहीं हो कि हम अज्ञानी हैं। तुम जब सत्य को समझोगे तो मानोगे, अभी तक हम झूठे ही माने चले जा रहे थे, झूठे ही जी रहे थे, झूठे ही मर रहे थे, झूठे ही बंधे थे। यद्यपि मृषा छूटत कठिनई, जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई। यद्यपि मृषा, असल में जागोगे तो समझ आएगा ना ये, और ये बात मरने के बाद गुरुजी समझाएंगे ना। अच्छा, मरने के बाद वो सत्य आएगा तुम्हें लेने, वो जिसका नाम राम है, जिसका नाम कृष्ण है, जिसका नाम गुरु है, भगवान है, जाने क्या क्या है, वो मरने के बाद समझाने आएगा, लेने आएगा, अभी तो नहीं। कब समझना है उसे? कितने बार हम कहें जीवित समझो, जीवित बूझो, जीवित करो प्रयासा, मोया मुकत जो कहे झूठा दे दरवाशा। अच्छा, जीते जी मुक्ति की बात करने वाले कितने हैं, मरने के बाद का ठेका लेने वाले कितने, देख लो तुम किसके चेला हो, तुम्हें किसकी बात भाती है, आगे का ठेका लेने वाले की? अभी भी आगे का ना सही तो कल का सही, परसों का सही, आज का भरोसा नहीं है। थोड़ा बहुत तो आगे पर गुंजाइश रखनी ही पड़ेगी, धीरे धीरे धीरे। अरे पहले ये तो मानो कि वह सत्य जिसको तुम ढूंढ रहे हो, जो मरता नहीं, वह सत्य। ब्रह्म न कहो, राम न कहो, कृष्ण न कहो, सत्य तो कहो। तुम नास्तिक से पूछो, तू मरना चाहता है कि बचना चाहता है, तो फिर वो तो हमारे रास्ते में चल रहा है, हमारा उसके दो मत नहीं है। उन नास्तिकों से कहो, भैया तुम और हम एक ही बात चाहते हैं, जो नहीं मरता उसी को हम चाहते हैं, हम ना मरें। और न मरने वाला मेरा मैं, एक मरने वाली मेरी मैं, एक न मरने वाली, दोनों कहाँ रहती हैं? सयुजा सखाया समानम रक्षम परिसस्व जाते, इकट्ठे रह रहे हैं, वही मरने वाला न मरने वाला। दूर जाके नहीं मरना, दूर जाके नहीं ढूंढना, यही मरो, यही वो रहता है चित्तई कूट में। हाँ, चित्तई कूट में रहता है, ढूंढ सको तो ढूंढो चित्तकूट, तुम में ही रहता है। और तुम्हें और कहीं का भरोसा है थोड़ा, सिर्फ यदि भरोसा नहीं है तो यही का जो भीतर रहता है। बस हमारा तुम्हारा यहां एक मत है, तुम्हें भी उसका भरोसा है, हमें भी है, पर तुम्हें जो और कहीं रहता है यहां छोड़ के उसका है। हमारा और कहीं भी रहता होगा, पर हमारा मुख्य हम में रहता है, और हमें मरने से बचाने वाला वो वाला नहीं है, तुम्हें बचाने वाला वो वाला है जो तुमसे अलग रहता है। लहर को, लहर से मरने से बचाने वाला जल कहीं रहता है, उसकी प्रार्थना करता है कि तुम मुझे बचाओ, और हमको ये लगता है लहर को बचाने वाला लहर के ही भीतर रहता है, वो उसी को पा जाए नहीं मरेगी बस। नहीं समझ में आया? मृत्यु का भ्रम टूट जाएगा, मृत्यु झूठी हो जाएगी, मृत्यु ख्याल है, लहर ही ख्याल है, फिर मौत सच्ची कैसी? सत्य तो वही रहता है।
99% गुरुओं का, शिष्यों का भगवान अलग रहता है, जो मिलेगा, जो तुम्हें बचाएगा, पर सिर्फ वेदांति का भगवान तुम्ही में रहता है और उसी को जान कर मुक्त हो गए, और कोई रास्ता नहीं है। अब तुम्हारी समझ में ना आए तो अपन क्या करेंगे? अब जैसे जानवर हैं, हमने भैंसों का सम्मेलन क्यों नहीं किया? क्या उनके कान नहीं है? क्या कान में आवाज नहीं जाती? पर उनको हम श्रोता मानते हैं क्या? वो श्रोता नहीं है। कान में आवाज जाने से तुम श्रोता नहीं हो। श्रोता हो जो मैं कहता हूं वो समझ आए। श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्या, गुरु के वचन का अभिप्राय जिसको क्लियर होता है उसका नाम श्रोता है। मैं कुछ कहूं तुम कुछ समझो, इसका नाम श्रोता नहीं है। अब कुछ भी ना समझो तब तो जानवर, जो कुछ ना समझे जानवर, जो कुछ का कुछ समझे वो मूर्ख, और जो कुछ गुरु कहे वही समझे उसका नाम श्रद्धावान सत्संगी जिज्ञासु। मन का अर्थ नहीं लगाना, छूट नहीं है कि चाहे कुछ अर्थ कर लो कि स्वामी जी तो ये कह रहे थे। बहुत बार रजनीश के चेलों को मिले हम लोग, वो कहते हैं आप सेक्स को मना करते हो, पीने को मना करते हो। कहते हाँ मना कर, हमारे गुरु जी तो नहीं मना कर। ये अर्थ निकाला, जो कभी खुद नहीं पीते, जिन्होंने खुद कभी, किन्होंने, हाँ जिन्होंने कभी नहीं पी, वो चेलों को छूट कहते दे रहे। चेलों ने छूट मान ली, उन्होंने छूट नहीं दी, पर क्या है किसी दुखी को खींचने के लिए, अरे कोई नहीं फंसे हो आओ, तुम हो गृहस्थी आओ, तुम हो कामी आओ, तुम हो पियक्कड़ आओ, आओगे तो आप ही बच जाओगे। पर कई ने अर्थ निकाला कि छूट दिए, अब कुछ दिनों में उनके अनुयायी पीने को और छूट देंगे और ठेके भी धर ले। सवाल ये है कि तुमने अर्थ क्या निकाला? अर्थ जो उन्होंने बताया वो अर्थ है? एक जगह उन्होंने सभा में कहा, एक खवाड़ लुधियाना में या कहीं खड़ा हो गया या जलंधर में, क्योंकि मैंने तो कैसेट सुना, हाथ उठाया, उन्हें पीने की कोई बात कही तो उन्होंने कहा तुम पीते हो, सबको छूट देते हो, तुम पीते हो? कहते नहीं, मैं तो पिए ही रहता हूं, मुझे पीने की जरूरत क्या है? जो पिए ही रहता है, पीनी पड़ती ही नहीं, पिए वो मूर्ख जो पिए नहीं रहते। जो नशे में नहीं रहते वो नशा करें, हम तो प्रेम के, आनंद के, ज्ञान के नशे में वैसे ही मस्त है। हम जाने क्या मस्त हैं, बेवादा पिए साकी के नजर के सदके। जो गुरु की नजर से पीता है उन्हें इन प्यालों की जरूरत ही नहीं है। तो जो मूर्ख रजनीश से भी नहीं पी सके, जो उनकी वाणी से नहीं पी सके, उनकी आंखों से नहीं पी सके, उनके इतने प्रवचन से नहीं पी सके, वही मूर्ख पीते हैं शराब और कहते हैं हम चेला हैं। उन्होंने चाहा था कि पीने वाले भी आएंगे तो पीना छूट जाएगा। किसी लड़की को, बहकी लड़की को उससे बचाना है, उसे प्रेम दो, उसका ब्याह कर दो, बच जाएगी। क्योंकि जो चाहिए वो यहां मिल गया, यदि विधान से मिल जाएगा तो विधान तोड़ने की जरूरत क्या है? यदि हमको वह रस, वह आनंद, क्योंकि सारी दुनिया आनंद के लिए पीती है, यदि हमको ऐसे ही मस्ती रहेगी तो हमें पीने की क्या जरूरत? तो ये उनका केवल तर्क नहीं था कि मैं पिए ही रहता हूं, कोई उत्तर की चलाकी नहीं है, वो सचमुच पिए ही रहते हैं। क्योंकि पीने का प्रयोजन क्या है? सुख, दुख न रहना,
जो थोड़ा दुख है वो ना रहे। अब जिनको दुख ही नहीं रहे वो क्यों पिए? दुखी आदमी पीते हैं दुख भुलाने के लिए। जो आदमी दुखी नहीं है वो क्यों पिएगा? सुख बढ़ाने के लिए, दुख घटाने के लिए। अभी कम आनंद है, थोड़ा पिएंगे तो और आएगा। एक महात्मा जी मेरे को बोले कि थोड़ा लो, बहुत मस्ती आती है। मैंने कहा मेरा इसी से गुजारा हो रहा है, विदेशों में बड़ा चलता है, और फिर पी के मस्त। तमाम साधु भी इसीलिए पीते हैं कि थोड़ा मस्ती आती है। इसका मतलब सीधा है कि तुम्हें मस्ती नहीं है तभी पीते हो। लोग कहते हैं पीने वाले भी मस्त हैं, हम कहेंगे इनको मस्ती नहीं है तभी पीते हैं। इनको पहले ही मान लो कि मस्त आदमी नहीं है, ये झूठ बोलता है। यदि मस्त है तो बिना पिए दिखाए। यदि अपनी मस्ती है वो तो नशे की मस्ती में मस्त है। कोई साधुता की मस्ती है क्या? कोई ज्ञान की मस्ती है क्या? कोई भक्ति की मस्ती है क्या? ऐसे कई बार मान की मस्ती है। कई साधु तो इसीलिए मस्त हैं कि सफल हैं, दुकान चल रही है, हजारों लोग आ रहे हैं, इसलिए गुरुजी महाराज बड़े मस्त हैं। हजारों गुरु भी महाराज कोई मस्त मुस्त नहीं है, सफलता की मस्ती है। एक दिन सफलता से यदि धक्का लग जाएगा तो आत्महत्या करेंगे, डूब के मरेंगे, दिखाने लायक नहीं रहेंगे। सफलता की भी मस्ती होती है। शराब का ही नशा नहीं होता, धन का भी होता है, सफलता की भी होता है, वैभव का होता है, पदों का होता है। मस्ती में टाइम बीतता है। ब्याह में जब तुम्हारा हुआ था कुछ दिन, तुम्हारे भी तो मस्ती में बीते थे। क्या इसको हम मस्ती मान ले? मस्ती वो है जो चढ़ती और उतरती नहीं है। मस्ती वो है जो मौत में भी रहती है। नहीं तो जवानी की मस्ती, जवानी गई, स्वामी जी आजकल बहुत हालत खराब है, हमने कहा फिर से इंजेक्शन दे के जवान कर देंगे। मैं ये नहीं कहता तुम स्वस्थ न रहो, पर यदि तुम बूढ़े हो तो बुढ़ापे में सुखी नहीं रह सकते। बुढ़ापे में आत्मा नहीं है, बुढ़ापे में स्वरूप चला गया है, जवानी में ही आत्मा रहती है। तुम्हारी मस्ती सच्ची है, इसकी कसौटी है परिस्थितियों का सुविधाजनक न रहना। जब ये नहीं रहेंगी तब यदि मस्ती है तो मानना हमारी प्योर है, नहीं तो सब कोई मिलावट की पीते हो। कि मिलावट पद से मिली, प्रतिष्ठा से मिली, शराब से मिली, चेलों से मिली, आश्रम से मिली, वाहवाही से मिली। अब वाहवाही मिले तो लो, मेरी खुशी को क्या कमी? तो खुश ही खुश हो, तुम भी तो ऐसे खुश हो। कोई साधु को ही मस्ती है क्या? यदि सफलता का नाम मस्ती है तो हर नेता को मिलती है। असल में मस्ती तो है कि प्रलय ना व्यथंति च। जब प्रलय की खबर मिलेगी कि अब दुनिया नहीं बच सकती, बम्बाट होने वाला है, अब वो नहीं हिम्मत पड़ी है, या कोई राजनैतिक है, या विदेशी इशारे हैं, भगवान जाने, तो अटल जी जाने, हम नहीं जानते। पर जब था कि हम विदेश गए, उन दिनों युद्ध की बातें चल रही थी, पाकिस्तान कुछ ना कुछ करते ही रहता है, तो हमने कहा ये हिंदुस्तान कोई हिजड़ों का देश है क्या, क्यों नहीं कुछ करते? आप क्या समझते हो? ये सब डरपोक लोग हैं। तुम मरने को डरते हो, क्या करोगे बचा के? हिजड़े यदि बच भी जाएंगे तो करेंगे क्या? नाचा करेंगे और क्या करेंगे? वीर गति को प्राप्त हो मृत्यु में आनंद। जो मर करके आनंद लेते हैं वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। वीर गति का मतलब एक हिजड़ा गति, बच जाना पसंद कर। एक मर जाने के तैयार बैठे हैं। जो मर जाने को तैयार है
भले उसे ब्रह्म ज्ञान ना हो पर ब्रह्म ज्ञान के नजदीक तो जरूर है। जो मृत्यु को दुख नहीं समझता, बर्बाद होने को बर्बादी नहीं समझता, ऐसी निष्ठा राष्ट्र पर है जिसकी, वो कौन है? इसलिए अर्जुन को गीता सुनाई, अर्जुन को गीता सुनाई कि थोड़ा गड़बड़ा रहा था तो स्वभाव से वीर, फिर भी वो कोई कमजोर नहीं था, क्षत्रित्व में कमी नहीं थी। कई जगह हमारे ग्रंथ हमें कमजोर बना देते हैं, तुझे पाप लग जाएगा, अपने लोगों को मारेगा, ये अपने हैं साले, ये अपने, इन्हें तू अपना समझता है। इन्हें कुदृष्टि विलोके जोई ताहि वधे कछु पाप न होई। इनको तुम अपना कह करके तुम कहते हो अधर्म हो जाएगा, इन बेईमानों के मारने से अधर्म लग जाएगा, द्रौपदी के लिए बाण उठाओगे तो अधर्म हो जाएगा, जुआ में हार गए हो, जुआ धर्म है और धर्म नहीं है? जुआ में हारे तो धर्म के विपरीत हो जाएगा यदि लड़ता हूं, जुआ में हार गया हूं। और तेरी पत्नी है, पत्नी ने तेरे से, पत्नी से पूछ के तूने दांव नहीं लगाया, ये अधर्म नहीं है? तूने दांव में लगाया, पहला अधर्म किया है, उस अधर्म से मुक्त हो, उसकी रक्षा के लिए तू धनुष उठा, बाण उठा। नहीं समझ? ये हमें क्या सिखाता है धर्म, हम क्या सीखते हैं? इधर को मुंह करके बैठ गए तो पाप लग जाएगा, उधर को पैर हो गए तो पाप लग जाएगा, और अज्ञानी रहे तो पाप नहीं लगता, महामूर्ख हो तो पाप नहीं लगा। यदि दुनिया में कोई पाप है तो अज्ञान पाप है और डर पाप है, और यदि कोई पुण्य है तो ज्ञान पुण्य है और अभय पुण्य है। इसलिए नहीं ज्ञानेन सदसम पवित्र मिह विद्यते, ज्ञान से पवित्र कुछ नहीं है। गंगा नहाने से भी पवित्रता आती है पर पूरी नहीं, तीर्थ यात्रा से पवित्रता मिलती है, पाप करते हैं पूरे नहीं, अज्ञान रह जाता है। पर यदि अज्ञान खत्म हो जाए तो फिर कोई पाप नहीं रह जाता। देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। पाप की जड़ है अज्ञान और देहाभिमान। देहाभिमानात यत पापम, मैं ब्रह्म हूं भूलकर मैं देह हूं ये मानकर डरना। देहाभिमानात यत पापम न तद गोवध कोटि भी, करोड़ों गायों के मारने से जो पाप लगता है या जितना पाप नहीं लगता, करोड़ों गायों के मारे जाने से जितना पाप नहीं लगता उससे ज्यादा पाप लगता है मैं देह हूं मानने से। तो एक पाप तो कर ही रहे हो सबसे बड़ा वाला, गाय हत्या तो नहीं करते पर ब्रह्म हत्या तो कर रहे हो। मैं ब्रह्म हूं इस भाव की हत्या करके देह बन बैठे, तुम जल ना होकर लहर बन बैठे, पहला पाप कर लिया। तुम ब्रह्म होते हुए ब्रह्म नहीं हो, आदमी हो, पहला पाप किया तुमने ब्रह्म हत्या। इसलिए अज्ञानी हत्यारा है, आत्महत्यारा। ये मैं नहीं कहता, अज्ञानी माने आत्महत्यारा, अपने को मारने का इंतजाम कर लिया। जिस लहर ने अपने को जल नहीं माना, लहर मान गई, वो अब क्या करेगी, मरेगी कि नहीं? तो आत्महत्या की तैयारी हो गई कि नहीं? अपने मरने, अपना मरना स्वीकार कर लिया और अपना अमरत्व छोड़ दिया। अज्ञानी ही आत्महत्यारा है। अज्ञानी के अतिरिक्त आत्मा के अज्ञानी को ही आत्महत्यारा कहते हैं। और आत्महत्या कर ली, देह बन बैठे, आत्मा को मैं को मैं न मानकर आदमी बन गए, आपने अपने मरने की तैयारी कर ली,
मरने का दिन बाकी है, बाकी बाकी तो मर रहे हो। तो आत्महत्यारा कौन? जो रेल की पटरी में कटा। जहर खा के मरा। अज्ञानी ने भले जहर कोई ना खाया हो, पर मुख पहला वाला जहर अज्ञान आत्मा का, वो जहर खा लिया, स्लो पॉइजन, अब आगे आप ही मर जाओगे, तुम पर मुकदमा नहीं चल रहा, खुदकशी को तैयार हो जाए, पुलिस वाले पकड़ ले जाएंगे, उस पर केस बन जाएगा, तुम पर केस नहीं बनता, क्योंकि पुलिस वाला भी मूर्ख ही है, वो कोई ज्ञानी तो है नहीं। नहीं तो जितने अज्ञानी हैं इन पर आत्महत्या का केस चलाना चाहिए। कि तुम आप आत्महत्यारे हो, तुम्हें अपने मरने का डर लग रहा है, तुम अभय नहीं हो, तुम डरपोक हो, डरपोक होने का केस तुम पर चलेगा। इसलिए आत्मज्ञान परम पुण्य है, ज्ञान के समान कोई पवित्र नहीं है, अज्ञान के समान कोई पाप नहीं है। आत्मज्ञान को प्राप्त हो, अब इस चित्रकूट की पावन भूमि में, अखंड परम धाम में ये ध्यान का प्रवचन का शिविर है, तो थोड़ा मुझे ध्यान कराने चाहिए, इसलिए अब थोड़ा ध्यान करो। और सब कुछ करना नाटक, पर तुम कौन हो ये देखना, ख्याल करना, यही सच्ची साधना है। तो अभी एकदम तुम ब्रह्म तो समझ ना पाओगे, जितना समझ पाओ उतना चलेंगे। जब तुम पढ़ने गए थे शुरू की सबसे पहले दिन, तो आपको एमए में भर्ती किया था कि बीए में कि दस में, तो तुमको भी ले हम वहीं से चलेंगे जहां खड़े हो, लेकिन लक्ष्य तुम्हारा आत्मज्ञान है, आनंद लक्ष्य नहीं, रोशनी लक्ष्य नहीं, ध्यान लगना भी लक्ष्य नहीं, मन की एकाग्रता भी लक्ष्य। यदि एकाग्रता लक्ष्य हो तो अब हमारा मन एकाग्र नहीं होता, अब क्या करें, हमारा एकाग्रता लक्ष्य ही नहीं। अब जिन्होंने रिजल्ट पास लिया, नौकरी में लग गए, अब उनका पढ़ने में मन नहीं लगता तो फेल हो गए क्या? अब बिल्कुल नहीं, पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो क्या करें, रोएं? अरे पढ़ने में मन लगा लिया, कोई पढ़ना लक्ष्य था क्या? लक्ष्य था वहां लग गए, लक्ष्य था आत्मज्ञान। एकाग्रता लक्ष्य नहीं, रोशनी लक्ष्य नहीं, शब्द लक्ष्य नहीं, जप लक्ष्य नहीं, साधना भी लक्ष्य, लक्ष्य था आत्मज्ञान। इसलिए साधना करेंगे लेकिन पहुंचने के बाद तापस तप फल पाई जिम सुखी सिराने नेम, फिर ध्यान छोड़ दो, फिर काम छोड़ दो। भला हुआ हरि बिसरा, भला हुआ हरि बिसरा, सिर से टली बलाए, जैसे के तैसे भय अब कछु कहा न जाए। फिर रोते ही रहोगे, मन नहीं लगता स्वामी जी, अब मेरा नहीं लगता तो मैं क्या करूं, डूब मरूं? टांग दुखने लगी, अरे टांग दुखने लगी तो मैं क्या करूं, किसी वैद्य के पास जाओ? मैंने ज्ञान के लिए मेरे पास आए थे कि टांग की दवा लेने आए थे? तुम इतने मूर्ख हो टांग के लिए मेरे पास आए? मेरे पास आत्मज्ञान के लिए आओ, तुम्हारे लड़का नहीं होता। अब हमारे पास राम योगी जी हैं, कोई आता है तो इन्हीं के पास भेज देते हैं कि जाओ इनसे दवा लो, ये वैद्य हैं, अच्छा है, साथ ही में रहें तो जो जहां वाला है वहीं भेज दे। अब कोई एक सिद्ध भी रखना पड़ेगा कि जिनको आशीर्वाद चाहिए कह देंगे वहां मिलता है, जा वहां से ले ले जाके, मांग ले सब कुछ। हमारे यहाँ मांगे से मिलता नहीं,
बल्कि मांगने की समस्या खत्म करना है। तो अब ध्यान करो, आंख बंद करो। आंख बंद करके अपनी आंखों को धीरे से धीरे धीरे कड़ी करो, और फिर थोड़ी देर कड़ी रख के ढीली करो, और तुम वहां चेतन रहो। तुम ये ध्यान रखो कि कड़ी करते समय तुम आंख पर मौजूद रहे कि नहीं। तुम माने आंख नहीं, आंख तो मौजूद है, देह नहीं, तुम माने चेतनता। कम से कम इतना तो समझो कि चेतनता का नाम तुम है, चेतनता का नाम मैं है। हाथों को, पैरों को, आंखों को, हड्डियों को मैं नहीं कहते, चेतनता को मैं कहते। तुम अब आंख पर आ गए, तुम अब, तुम माने कोई पैर आंख पर आ गए क्या, कोई हाथ आंख पर पहुंच गया क्या, तुम आंख पर पहुंच गए। तुम उसका नाम तुम है जो आंख पर अभी आया है, और अभी असली वाला नहीं है, ये भी नकली वाला है। असली वाला तो बाद में मिलेगा, इसीलिए शुरुआत यहां से करनी है। आंख मीचो, थोड़ा कड़ी करो, थोड़ा एकाग्र हो, फिर ढीली कर दो, और ढीली करके भी आंख पर रहो, छुट्टी नहीं लेना। आंख को अपना बेडरूम बनाओ, बेडरूम। आंखों से ज्यादा कोमल और कौन होगा, आंखों पर रहो। लोग बहुत प्यारे को कहते हैं, आपको तो हम अपनी आंखों में पलकें बिछा के, आपको अपनी आंखों में, तुम औरों को ना रखो, तुम तो रहो अपनी आंखों पर। तुम अपनी आंखों पर रहना सीखो, प्यार भरी आंखें, प्रेम, जलती आंखों में मत रहना, तुम घूर के मत देखना, प्यार भरी आंखों में तुम बैठे रहो। कानों में आवाज आए, हाँ, तो जैसे कीर्तन हो रहा है, कोई गाली भी दे तो ऐसे लगे जैसे कानों में कोई संगीत आ रहा है। तुम कान में रहो, सुनो, और फिर सुनाई भी दे ना दे, तुम तो कान में रहो। आवाज आए तो भी प्रसन्न रहो, सुनो। आवाज ना आए तो भी तुम जागो, अब कोई आवाज नहीं है तब भी हम शांत हैं, हम सुनना नहीं चाहते, हम तो कान में रहना चाहते। कान में रहना सीखो, आंख में रहना सीखो, इसी तरह से और क्या बताऊं, अपनी रसना में, जीभ में रहना सीखो, और अभी अपनी त्वचा में। सारे शरीर में त्वचा है, त्वचा सिर्फ हाथ में नहीं है, हाथ मुख्य हिस्सा है। आप हाथ से छूते हैं, लोग समझते हैं हम हाथ से छूते हैं, हाथ मुख्य है, कार्यालय है, बाकी तो आप पूरी चमड़ी में छूते हैं, पैर से छूते हैं, जंघा से छूते हैं, पेट से छूते हैं, पीठ से छूते हैं, आप त्वचा से छूते हैं। आप पांच ज्ञानेंद्रियां हैं आपकी, पांचों ज्ञानेंद्रियों को अपना कार्यालय बना लो। यहां तुम थोड़ा बैठा करो, थोड़ी देर बैठो, निश्चिंत बैठो, निर्द्वंद बैठो, पांच में से कोई जगह, आंख में बैठो, कान में बैठो, रसना में बैठो, त्वचा में बैठो, नाशिका में, नाक में बैठो। श्वास आवे श्वास जाए, श्वास आवे श्वास जाए, तुम बैठे रहो, और श्वास में सुगंध आए दुर्गंध आए, धीरे धीरे बैठो, फिर धीरे धीरे सुगंध ही आएगी, दुर्गंध आएगी ही नहीं। कई को ध्यान में खुशबू आने लगती है। कल परसों कोई साधक पूछ रहा था कि हम ध्यान में बैठते हैं तो कहते बाहर से कहीं से खुशबू आती है, बाहर होती नहीं पर आती है। फिर बाहर से नहीं, खुशबू पैदा होती है, फिर मीठी ध्वनियां पैदा होती हैं, कान में ध्यान लगाने वाले के अनाहत नाद जगता है। बाहर की ध्वनियां नहीं, भीतर की सुनाई देती हैं, बाहर की सुगंध नहीं, नाक में ध्यान करने वाले को भीतर की सुगंध प्रकट हो जाती है, सुगंध पैदा होती है। यदि फूल में पैदा हो सकती है तो हम फूल से गए गुजरे, हमारे अंदर नहीं पैदा हो सकती। यदि बाहर हर चीज में बादल गरज सकता है, कुत्ता भौंक सकता है, बाहर की आवाजें आ सकती हैं, यदि आहत नाद हो सकता है तो भीतर अनाहत नाद नहीं हो सकता।
भीतर खुशबू है, भीतर नाद है, भीतर रूप है, भीतर रूप है। इन आंखों से बाहर जो देखते हो यही रूप नहीं है, भीतर भी प्रकाश है, भीतर भी रंग है, भीतर भी देवी देवताओं के सुंदर रूप हैं और दिख सकते हैं। जागो भीतर, जागो जागो, देखो। और होश में रहना, देखते समय भी तुम भी रहना। तुम देखने में इतना भूल जाओगे कि तुम खो जाओगे, सुनने में इतना भूल जाओगे कि तुम ही खो जाओगे, नहीं, तुम मौजूद रहो, आवाजें आती रहें, तुम जागे रहो, सुनते रहो, दिखता रहे, तुम देखते रहो, छूने में आता रहे, तुम छूते रहो। कपड़ा टच करता है, हवा स्पर्श करती है, गर्मी शरीर को लग रही है, तुम छुओ, प्रेम से छुओ, सर्दी छुओ, गर्मी छुओ, कपड़ा छुओ, भगवान छुओ, 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 देखो, सुनो, सूंघो, नाक में लगातार सूंघते रहो, एक एक क्षण सूंघते रहो, सूंघते रहो। तुरंत पैदा नहीं होगी, प्रैक्टिस नहीं है, कुछ दिनों के बाद दिव्य सुगंध, दिव्य गंधानुलेपनम, दिव्य गंध, दिव्य गंध, दिव्य रूप, दिव्य रस, दिव्य नाद, दिव्य स्पर्श, ये सब कुछ दिव्य हो जाएगा। यदि तुम भीतर दिव्य हो जाओ, तुम्हारा इरादा सुंदर हो जाए, तुम शुद्ध हो जाओ, तो जो छुओगे सब शुद्ध होगा, जो देखोगे शुद्ध होगा, जो सुनोगे वही कीर्तन होगा, जो छुओगे वही भगवान होंगे, जो देखोगे वही भगवान होंगे, जो करोगे वही शुभ होगा। तुम जो करोगे वही दिव्य हो जाएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दिव्य सुनो, दिव्य सूंघो, दिव्य बोलो, दिव्य करो, भाव से, दिव्य भाव से सुनो, दिव्य भाव से देखो, दिव्य भाव से करो, बोलो, सब कुछ अंदर तुम दिव्य हो, तुम अंदर भगवान के अंश हो।